यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारे 3 लोग आए हैं, हर्ष, मैं और पीयूष। तो आपको दिखाते हैं आगे का, लेट्स सी। गाइस हमने यहाँ से एंट्री ले ली है। हम इतने बड़े बेवकूफ आईडी से पढ़ के आ रहे हैं, आज तक आईडी कार्ड नहीं लिया। आईडी कार्ड ले लेते तो हमारा टिकट सस्ता पड़ जाता। दो साल हो गए भाई साहब पास करो, मेरा अपनी मार्कशीट नहीं ली यार, 4000 रुपये का फाइनल लाइब्रेरी का। तो हमें टिकट पड़ गया 150 रुपये पर का, 150 रुपीज पर हेड। तो आज हमारे साथ थोड़ा माला माल पार्टी है, दोनों नौकरी वाले। ये शायद ऐसी ऐसी 84 गुटियाँ है ना, है ना 84 ऐसी ऐसी। ऊपर आ गए भाई, ये गिननी थी यार 84 है भी या नहीं, क्लेम करते फिर हम लोग किस पे, इन पे 150 रुपए वापस दो रे, 84 तो नहीं है, फिर गिनने आते हो। अभी ऊपर से उल्टी काउंटिंग शुरू कर देंगे ना। तो भाई साहब हम लोग देखो, हम लोग जा रहे हैं अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कारखाना बिल्डिंग पुरानी। यहाँ पे किसी जमाने में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था पुराना, और आप ये देख सकते हो चुड़ैलों की आवाज़ आती हुई पीछे। क्या आपको आवाज़ आ रही है पीछे चुड़ैलों की? नहीं भाई लोग हैं तो छन छन लगा मेरे को। ये है यहाँ पे बीटल्स बीटल्स रहते थे, उनका गेस्ट हाउस था ये। रंगारंग कार्यक्रम हुआ करता था यहाँ पे पीछे, आपके पीछे इस चैनल के मालिक, और वो पीछे हिमेश रेशमी हमारा सस्ता कॉपी। लो भाई मालिक साहब, आप इस चैनल के मालिक, आप अपना व्लॉग लीजिए। हम तो गाइस हम वापस आ चुके हैं अपने कैमरे पे। तो गाइस आज हम लोग आए 84 कुटिया। यहाँ का मेन इंट्रो यही है कि यहाँ पे 84 कुटियाज हैं, कुटियाज इन द सेंस की छोटे छोटे हट बनाए गए। तो 84 कुटिया, इसे मेनली बीटलेस आश्रम कहते हैं। 84 कुटिया इसके बाहर पे बोर्ड है, और इसे अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बीटलेस आश्रम भी कहते हैं, क्योंकि ये बीटलेस एक बैंड ग्रुप है, उनके थ्रू फेमस हुआ है। यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे, जंगल, और काफ़ी अच्छा वेदर है। तो हम लोग यहाँ पे आज एक दो मकसद से आए थे, दो मोटिव थे हमारे। एक तो पीयूष को अपना ब्लॉग शूट वीडियो शूट करना था, दूसरा मैं यहाँ पे एक साथ ही साथ ब्लॉग शूट भी कर लेंगे। तो अच्छी जगह है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए। मैंने सोचा आप लोग को यहाँ पे दिखा दें, थोड़ा बिजी रहे हैं यहाँ पे। और आज मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ, उसी को साथ में आया। उसका रीज़न है कि हम लोग होली के लिए सब लोग अपने अपने घर गए थे, तो अचानक मेरे फ्रेंड्स लोग यहाँ पे आ गए शूट करने के लिए, और मेरा घर इसी में, आप सबको पता है। तो मैं इधर आया था, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम लोग वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और थोड़ा यहाँ के बारे में पता भी लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, तो मैं इनके साथ आ गया। तो साथ ही साथ मैंने सोचा थोड़ा शूट कर दें, क्योंकि अब तक हमने ऋषिकेश में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। होप सो विषय के साथ आगे काफ़ी सारे ब्लॉग यहाँ पे करेंगे। आज एक छोटा सा ब्लॉग शूट करने हम यहाँ पे आ गए। तो गाइस हमने आधा यहाँ पे वीडियो शूट कर दिया इसका, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। आधी वीडियो बची है वो शूट करते हैं,
साथ ही साथ हमारा ब्लॉग भी चलता रहेगा, आप लोग को आगे दिखाएंगे कैसा है क्या है। और एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे कंप्लीट। अभी हम थोड़ा शूट में बिजी हैं, थोड़ा शूट मुझे करना पड़ रहा है, थोड़ा शूट रश कर रहा है। और ये तो अपनी पब्लिक रुक रुक कर देखने लग गई थी तो हमको प्लेस चेंज करनी पड़ी। भाई साहब पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है यार यहाँ। और यहाँ पे अभी काफी ऑडियंस इकट्ठी हो गई थी, मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि दोनों फोन हम शूटिंग पे लगा रखे थे और हमारे साथ एक छोटा सा मीडिया है, पता नहीं है उनको पसंद आ रहा था नहीं, मजे ले रहे थे। चलते हैं आगे जंगलों की ओर, देखते हैं क्या है अभी। सोचा था यहाँ के पूरे कुटिया गिनेंगे लेकिन लगता नहीं पूरे गिन पाएंगे, और शायद ज्यादा ही होंगी, बहुत सारी कुटिया ही कुटिया हैं। ये है ओपन कुटिया, ये फड़वा के मान। अब हम नीचे के फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं वीडियो शूट करने के लिए क्या धंधा बोल रहा हूँ। भाई बेटा अभी दिखाते हैं उसको, पेंटिंग बहुत अच्छी है फर्स्ट टाइम ग्राउंड में हो गया उधर साइड जाके, तो रोड है ऊपर। साइलेंस इज बेटर देन बुलशिट, दैट्स रियली शिट। कुलदीप बेट्स के ये साइलेंस इज बेटर देन बुलशिट, वर्क योर स्टाइल। आजा तू चढ़ ऊपर, ऐसे ही चढ़ू क्या है? हाँ ऐसे ही चढ़। हम चढ़ रहे हैं ऊपर, बताओ व्लॉगिंग में आप लोग को नजारे दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको। हाँ वो ऊंची है, वो सारा जमाना देखा का दीवाना। बैक चला फ्रंट चला, ये छत में कुटिया थी, यहाँ मम्मी थे, छत का आपने देख लिया। बहुत सारे लोग आ गए हैं टेरेस पे, हम लोग ऐसे जा रहे हैं कहीं और चलते हैं शूटिंग के लिए, यहाँ पे काफी शूट हो गया हमारा। कुछ नॉन वेज बोलो? नहीं नो, बाय से बाहर निकल गए, अगले शूट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही देखिए आप यहाँ का, ये क्या चीज है भाई? प्यार मोहब्बत चल रही है, तो यहाँ आशिकियाँ लिखी गई है दोस्तों, आपकी भी किसी आशिक का नाम यहाँ पे हो। ओ गुप ओ ये देखिए अरे वाह क्या हुआ, कर दे होगा तीन आंखें। माई लाइफ प्योर के लिखा है, माई लव माई लाइफ योर प्योर, डोंट नो व्हाट डज इट मीन। ये खुफिया रास्ता, खुफिया रास्ता नहीं, खुफिया जो भूल भुलैया। अरे वाह, यहाँ पे कोई कह नहीं सकता, यहाँ पे रूम से आपको दिखाते हैं, हटियो कुछ लाइटिंग दिखाइए रूम के अंदर। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता, अरे छोटी छोटी कुटिया बन, thank you.
जितना घूमो उतना कम है यहाँ पे। ये कुछ स्तंभ टाइप का बना है। कनेक्ट टू योर इन्फिनिटी हायर सेल्फ। ये कहाँ गया? ये है 84 मेडिटेशन चैम्बर्स, 84 मेडिटेशन चैम्बर्स यहाँ पे। ये आनंद भवन एंड सिद्धि भवन, दिस इज कंस्ट्रक्टेड इन 1976। दीज बिल्डिंग्स वर यूज्ड एज रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस फॉर कोर्स पार्टिसिपेंट्स बिकमिंग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीचर्स और अंडरगोइंग अदर एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेज। विच मीन्स ये 1976 में बनाए गए एक रेजिडेंशियल रहने के लिए, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे ट्रेडिशनल मेडिटेशन के टीचर थे उनके लिए, वो लोग यहाँ पे रहते थे, मेडिटेशन सीखते थे और सिखाते थे। ये आनंद भवन और सिद्धि भवन, ये एक आनंद भवन है, दूसरा उसके बगल में सिद्धि भवन है। तो घूमते घूमते हम यहाँ पहुँचे। दिस इज कॉल्ड वेद भवन, कंस्ट्रक्टेड इन 1976 एज इट ऑल, जैसे सारे कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे। ये बिल्डिंग यूज़ की जाती है एज ए लेक्चर हॉल और क्लासरूम, जो वो टीचर जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं मेडिटेशन की। आगे अंदर हॉल होगा, ऐसी कैसा है। तो गाइस आज बहुत ही थकान भरा दिन है, हमने दो दो काम एक साथ ले लिए। एक तो मेरा व्लॉग शूट जो रेगुलर चल नहीं पा रहा है, सो रेगुलर करने के चक्कर में हमने आज एक वीडियो शूट के साथ साथ अपना व्लॉग शूट करना भी स्टार्ट किया। तो अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये इनका किचन है, ये 1960s में बना और वेजिटेरियन फूड बनता था यहाँ पे सिर्फ टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए, जो यहाँ पे मेडिटेट वगैरह करते थे। डोंट आई अंदर चल के देखते क्या है। अभी तो बहुत अंदर हो गया है यहाँ पे, ये वॉल टूट गई है, ये सीनरी है वॉल पे ये यान की भट्टी चलती होगी। ऐसे यहाँ पे फोटो गैलरी बनाई गई है, यहाँ पे बीटल्स के जितने भी मेंबर्स थे बीटल्स के, उन सबकी फोटो गैलरी में लगाई गई है। प्यारी सराउंडिंग, और ये है यहाँ के महर्षि, माई 3 weeks विद द महर्षि, डू वी रियली नीड द रिच, हाउ आई क्योर्ड माई अनकॉमन कोल्ड।
फोटोग्राफिक जर्नी चलते हैं। दिस होलीनेस महर्षि महेश योगी, ये है 12 जनवरी 1918 5th February 2008। तो गाइज हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे चल के थोड़ा खाना पीना खाते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। काफ़ी अच्छी जगह थी, आई होप सो आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अपने टिकट दिखाने होते हैं, नीचे आते हुए इनको टिकट दिखाने होते हैं, हमारे तीनों के। हाँ जी, तीनों आ गए अपनी बाइक की पार्किंग में, निकलेंगे हम लोग और निकलते हैं हम लोग यहाँ से।